भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की क्या काबिलियत है, यह आप सबके सामने है। मगर एक सशक्त मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी, भाग स्मृति भाग, पर मेरे सवाल पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूछना चाहती हूं कि जो वो हल्का सिलेंडर 400 का था वो उठा के भाग रही थी, अब भारी हो गया खाली सिलेंडर 1200 का, तो जवाब नहीं दे पा रही। जब बेटियों का उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या होती है, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो या कहीं और, तो मुंह में दही जम जाती है, ऊपर से ताला लगा लेती हो। वो जो दही जमी हुई है ना, वो सड़ चुकी है, इसीलिए जब मुंह खोलती हो तो केवल जहर उगलती हो और झूठ बोलती हो। धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बरगलाऊं, पर काम नहीं चला कर्नाटका में। लेकिन आज अमेठी में एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया तो भाग पर चली फिर से, भाग स्मृति भाग। मगर जवाब तो देगी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ये बताओ कि अगर मंत्री हो तो जवाबदेही और जिम्मेदारी है, किसी पत्रकार को डराकर धमकाकर उसकी आवाज को क्यों बंद करने की कोशिश कर रही हो? क्यों उसको कह रही हो कि शिकायत करोगी उसके मालिक से? क्योंकि जवाब नहीं है ना, डरती भी हो, काबिलियत भी नहीं है, फिर भी मंत्री हो आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय में। शर्म करो स्मृति ईरानी, लोगों को डराने की कोशिश, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना बंद करो। माफ नहीं करेगा देश, और जवाबदेही तो रहेगी, इसलिए भाग स्मृति भाग। कितना भागेगी, हम पीछे हैं, जवाब देने पड़ेंगे हमारे सवालों के।